हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेसन की रेमेडी, जिससे क्या आप अपने चेहरे को ग्लो कर सकते हैं और अगर आपके चेहरे पर ऑयल सीक्रेट ज़्यादा होता है तो उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। और ये वाला जो पैक है, सभी स्किन टाइप वाले हैं जो कि इसको यूज़ कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, हमारा जो चेहरा होता है वह एकदम सा निखर जाता है और हमारी स्किन का जो कलर है वो भी फेयर हो जाता है। और चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि मैं इस रेमेडी के अंदर क्या क्या ले रही हूँ और कितना कितना इंग्रेडिएंट है जो कि ले रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ बेसन। बेसन है जो कि हमारे जो पिंपल होते हैं उनसे फाइट करता है और पिंपल की जो प्रॉब्लम होती है उसको रिड्यूस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और हमारे जो स्किन होता है उसको, जो हमारी स्किन होती है उसको वाइटनिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हाँ, और जैसे कि समर होती है, समर के अंदर क्या होता है, हमारे चेहरे पर टैनिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको भी रिड्यूस करने में यह बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और इसको सभी स्किन वाले हैं जो कि अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि जब भी समर होती हैं तो मेरा चेहरा टैनिंग से हो जाता है और डल सा पड़ जाता है, या फिर जैसे कि थोड़े बहुत रिंकल्स वगैरह हो जाते हैं, तो तब मैं इस पैक को अपने फेस के ऊपर अप्लाई करती हूँ और जो भी मेरे स्किन इशू होते हैं मुझे उनसे छुटकारा मिल जाता है। तो आप भी इस पैक को है जो कि अपने फेस के ऊपर अप्लाई की कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब आगे बताती हूँ कि मैं इसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है जो कि वो क्या लूँगी। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है टर्मरिक। टर्मरिक है जैसे कि इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी है जो कि प्रॉपर्टीज़ होती है, और जिससे हमारे चेहरे पर जो भी एलर्जी वगैरह की प्रॉब्लम होती है उसको रिड्यूस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और जैसे कि हमारे चेहरे पर जब पिंपल हो जाते हैं तो उनको भी कंट्रोल करने में यह बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट मैं इसके अंदर लूँगी शहद। शहद का तो आपको पता ही होगा कि हमारे जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं उनके अंदर शहद है जो कि मिक्स्ड होता है, और यह हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे हमारी स्किन है जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ बनती है, और हमारी स्किन है जो कि वो टाइट हो जाती है, और जैसे क्या होता है कि हमारी स्किन थोड़ी जैसे कि ढीली सी पड़ जाती है तो उसको टाइट करने में हेल्पफुल होता है। और जैसे कि सबसे अच्छी क्या है, इसकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है जो इसे हम हर समय क्या दिखते हैं, जवां दिखते हैं। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं इसके अंदर लूँगी लेमन। लेमन का आपको पता ही होगा कि यह एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होता है और जो हमारी स्किन को ब्राइट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और नेक्स्ट और सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट है जो कि दही। दही हमारे फेस पैक के लिए बहुत ही अच्छी होती है। जब हम इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमें इससे मॉइस्चर मिलता है, और जो भी जैसे कि हमारे चेहरे के ऊपर जो भी प्रॉब्लम होती है, एक्ने, रिंकल, झुर्रियाँ की प्रॉब्लम या दाग धब्बे हो जाते हैं, तो उनको भी रिड्यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि दही के अंदर जिंक, कैल्शियम और काफ़ी सारे विटामिन्स पाए जाते हैं, और यह एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट का भी काम करती है, या फिर हम इसको एक क्लींजर भी कह सकते हैं, जिससे हमारे चेहरे की जो डर्ट होती है उसको क्लीन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो मोस्टली क्या होता है कि ये सभी जो इंग्रेडिएंट मैं इस पैक के अंदर ले रही हूँ तो यह हमारे किचन के अंदर अवेलेबल होते हैं, और इन सभी इंग्रेडिएंट को मिक्स करके हम अपने चेहरे के लिए एक अच्छा सा फेस मास्क है जो कि तैयार कर सकते हैं, वो भी घर पर रहकर, पार्लर पर जाने की बजाय अगर आप इस फेस पैक को अपने घर पर ही करते हैं। और आप इस पैक को अप्लाई करने के बाद पार्लर से भी ज़्यादा निखार अपने चेहरे पर ला सकते हैं। तो चलिए मैं अब इस पैक को है जो कि तैयार कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले इसके अंदर लूँगी बेसन। 2 चम्मच इसके अंदर मैं बेसन लूँगी। अगर आपके पास ज़्यादा पैक भी बन जाता है तो आप इसे अपने गर्दन या हाथ पर या पाँव पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट लूँगी मैं इसके अंदर टर्मरिक। टर्मरिक है जो कि आप इसके अंदर कम क्वांटिटी की ही डलेगी। और थोड़ा सा हनी, और नेक्स्ट है
दही, इन सभी को मैं मिक्स करूंगी और इसके अंदर मैं थोड़ा सा गुलाब जल डाल लूंगी और मैं इसके अंदर थोड़ा सा गुलाब जल डाल लूंगी ताकि यह एक अच्छा सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाए और इजीली मेरे फेस के ऊपर है जो कि अप्लाई हो सके। ये पैक है जो बनकर तैयार हो चुका है और थोड़ा सा इसके अंदर नींबू डालना है हमें और अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसे अपने फेस के ऊपर है अप्लाई करना है। गाइज मैंने इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लिया है और उसके बाद कुछ टाइम के लिए छोड़ना है। जब यह सूख जाएगा तो उसके बाद आप अपने प्लेन वाटर से फेस को है जो कि वॉश कर सकते हैं। और गाइज मैंने अपने चेहरे को वॉश कर लिया है और जैसे आप देख सकते हो कि मेरा चेहरा है जो पहले से कितना निखर चुका है। अगर आप भी किसी शादी में जाना चाहते हैं या कोई फंक्शन है तो आप इस फेशियल को कर सकते हैं और घर पर ही आप अपने चेहरे पर एक सुंदर सा निखार है जो कि वो अपने चेहरे पर ला सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।